भाई बंधुओं, मेरे प्यारे सहपाठियों एवं आदरणीय शिक्षकगणों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मेरा नाम सुरभि भारती है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूनरेड़ी की प्लस टू सी की विद्यार्थी हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। यह वह दिन था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार स्वतंत्र भारत में लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराया था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारियों ने हमारे देश में क्रांति की आवाज़ फैलाई, तो वहीं गांधी जी और नेहरू जी जैसे कई लोगों ने सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर अंग्रेजों को हमारे देश से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि साल 1857 में शुरू की गई आज़ादी की यह लड़ाई आखिरकार 1947 में जाकर सफलतापूर्वक ख़त्म होती है। साल 1857 में हमारे देश के जवानों के द्वारा ब्रिटिश रूल के खिलाफ शुरू की गई आज़ादी की यह लड़ाई सफलता की एक नई चुनौती थी। 13 अप्रैल 1991 को हुए जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने एक बार फिर से भारत में आज़ादी की लहर को छेड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिश रूल की जद्दतियाँ हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि हमारे देश के कई स्वतंत्र सेनानियों ने हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इसके बाद फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि भारत को जून 1948 को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख को बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। इसका कारण मुसलमानों और कांग्रेस के बीच में हो रहे झगड़ों को माना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे प्यारे सहपाठियों से मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि अगर हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की स्वतंत्रता को ऐसे ही कायम देखना है तो हमें पढ़ना होगा और हमें अपने देश में कई रूल्स को लागू करना होगा, हमारे देश में कई नियमों को लागू करना होगा। जैसे कि हमें भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखना होगा और छूत छात के भेद को दूर करना होगा। हमें हमें किसी में भी अंतर या फिर भेदभाव नहीं करना होगा। हमें हर एक बच्चे को स्कूल में पहुंचाना होगा। हमें गरीबी की दर को तोड़ना होगा और हमें अपने देश को बढ़ते देखने के लिए हमें पढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।